जैसे आपने बोला 7 चक्कर कटवाते हैं फिर काटते हैं उसको, ये हमारा कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये अलग फिरके के लोग हैं, अहले तशी है, वहाबी लोग हैं। यहाँ से वही लोग काटेंगे जिनको फटाफट उसकी जान निकालनी है। यहाँ जो छुरी मारेंगे ना वो वही लोग मारेंगे, लगते ही वो बैठ जाए। असल तरीका जहाँ से गाय कटती है, जहाँ से भैंस कटती है, जहाँ से बकरा कटता है, ऊँट भी वहीं से कटता है। लेकिन कराची का तो हिसाब ही दूसरा है। खड़े खड़े काट दिया, भगाते भगाते काट दिया, जिसका जैसा दिल चाह रहा है, पता नहीं है ना यार। गोश्त का ही काम है हमारा और बचपन से यही करते हैं। जी ऊँट काट ले, मकसद मैं ऊँट काटता हूँ, हर साल काटता हूँ भाई। यार सही तरीक़ेकार तो ऊँट ख़रीदने वाले को भी नहीं पता जो ख़रीद के ला रहा है, कि इसका तरीक़ेकार क्या है कटवाने का। यहाँ से वही लोग काटेंगे जिनको फटाफट उसकी जान निकालनी है। यहाँ जो छुरी मारेंगे ना वो वही लोग मारेंगे, लगते ही वो बैठ जाए। असल तरीका जहाँ से गाय कटती है, जहाँ से भैंस कटती है, जहाँ से बकरा कटता है, ऊँट भी वहीं से कटता है। लेकिन कराची का तो हिसाब ही दूसरा है। खड़े खड़े काट दिया, भगाते भगाते काट दिया, जिसका जैसा दिल चाह रहा है, पता नहीं है ना। मेरे को कम से कम कोई आज 20 साल होगा काटते काटते, मैंने तो एक भी चक्कर नहीं लगवाया भाई, ना मेरे को किसी ने बोला कि इसका चक्कर लगवाओ। 7 चक्कर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने काटा है, ये झूठ बात है बिल्कुल। जैसे आपने बोला 7 चक्कर कटवाते हैं फिर काटते हैं उसको, ये हमारा कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये अलग फिरके के लोग हैं, अहले तशी है, वहाबी लोग हैं, कोई मखसूस लोग हैं ऐसे कि वो अपने तरीके से कटवाते हैं अलग। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नमाज से पहले हमारा सल्ला नहीं फिरता, फजर की अजान के बाद ईद की नमाज होती है, उसके बाद हम दुआ करते हैं जानवर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं फजर की नमाज के बाद बाल कटवा देते हैं जानवर, ईद की नमाज का भी इंतज़ार नहीं करते। बहुत से लोग 7 चक्कर कटवाते हैं, बहुत से लोग 3 चक्कर कटवाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा। हमारा सुन्नत तरीका क्या है, ऊँट को तरीके से चौकड़ी मार के बिठाया गया, वो बैठ गया, वो दोनों टांगे आगे घुटने बांध दिए, सही है, पीछे की टांगे बांध दी, नथ उसकी ले गए पीछे, पीछे कुआन के साथ रस्सी होती है, पिछली टांगों की उधर बांध दी, ऊँट बिल्कुल गठड़े बन गया है उसको। हमारा 3 साल का बच्चे भी आराम से जाके छुरी फेर देगा, ऊँट अपनी जगह ना अजियत में होगा ना तकलीफ में होगा, सल्ला भी तरीके से फिरेगा और वो बंधा हुआ ना नुकसान देगा किसी को। ये सुन्नत तरीका है सर। और ये जो खड़े करके छुरियाँ मार रहे हैं, ये हमारा दुबई का तरीका है। ईरान में, दुबई में इसी तरीके से कमेलों में जो ना ऊँट खुले घूम लो और छुरियाँ मार रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये तरीका गलत है। एक छुरी यहाँ लग रही है, एक छुरी यहाँ लग रही है, एक छुरी यहाँ लग रही है, यानी कि हमने तकबीर तो फेर दिया मगर सल्ला नहीं लगा। ये आप मूवी में देखिए, हमने छुरी तो मार दी है लेकिन तरीके का सल्ला नहीं लगा, एक रथ कट गई है, एक रथ साबुत है। तो मकसद इन चीज़ों को कोई भी नहीं देखता भाई, ये देख रहे हैं कि जुबा हो रहे हैं जानवर कट रहे हैं, तो इन चीज़ों में बहुत बारिश से ज़्यादा बारीकी होती है, इन चीज़ों को देखा जाता है। अगर हम मेहमान साहब को खड़ा कर दें तो वो तो इन चीज़ों के बारे में बहुत सख्ती से हमारे को हिदायत कर देंगे, बेटा ये तरीका सही नहीं है। तो हमें तो बड़ों ने यही सिखाया कि इसको तरीके से और इस तरीके से कुर्बान कर दिया जाए अल्लाह की राह में, कि अल्लाह पाक भी खुश हो, ये कुर्बान भी हो जाए अल्लाह की राह में, और हम भी गुनाहगार ना हो। बहुत से लोग होते हैं सल्ला मारा, अभी भी उसकी जान भी नहीं निकली, उसकी मेन रख काट दी थोड़ी, मगज से लाइन रुकी गई, हराम मगज, लोग पुछेड़ी बिल्कुल जान ले ली, वो हराम हो जाता है जानवर, ठंडा कर दिया। ऊँट की कटाई भाई, पहले दिन हम नॉर्मल ऊँट के लेते 60,000, दूसरे दिन लेते 40,000, तीसरे दिन लेते 30,000। ऊँट सबसे जल्दी फारिग होता है भाई, 1 घंटे में नहीं। अब बड़ा तो फिर बड़ा है ना, उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे नॉर्मल ऊँट जो 1 घंटे में फारिग हो जाता है, क्योंकि ऊँट में बोलनेस कम होता है, हड्डी ज़्यादा होती है, हड्डी को तोड़ना है उसकी बात। हैदराबाद में अच्छे कारीगर हैं ऊँट काटने के, मकसद वो प्रोफेशनल ऊँट वाले होंगे, वो आ जाएंगे ना तो वो उन्हीं जगहों पे आते हैं मखसूस जो उनकी हैं। ये जो घूम रहे होते हैं ना 10-10 टोले, 15-15 के टोले, ये सब बेकार काम करके जाएंगे, आपको सारा दिन घर में ज़ाया कर देंगे और उल्टा ही काम करके जाएंगे। ये लेंगे आपसे 20,000 रुपये, वो होंगे आदमी 10, हम होंगे 3, हमें 30,000 नहीं देंगे। वो बोलेंगे 3-30 मांग रहे हैं, ये 10 हैं, ये 20,000 में ऊँट काट रहे हैं। वो 10 निकलेंगे 2.5 घंटे में आपके घर से, और आपको यही नहीं पता कि कौन सी हड्डी काटने की है, कौन सी फेंकने की है। ऊँट की कोई भी चीज़ फेंकने की नहीं है, खून तक लोग इस्तेमाल करते हैं शिफा के लिए। खून है ना, खून तक उसका इस्तेमाल होता है, हड्डी चर्बी
सब दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग। ऊँट में कुछ भी फेंकने का नहीं है। पाए भी पक्के खिला दूंगा मैं आपको। कलेजी कोई नहीं खाता, वो भी पठान खाते हैं। कलेजी गलती नहीं है ऊँट की। ऊँट की कलेजी गलती नहीं है। ऊँट की जबान कड़वी होती है, उसको नहीं पकाता कोई। ये दो चीज़ें जो है ना इस्तेमाल में नहीं आती। अक्सर जो है ना लोग ऊँट का पूरा सरा फेंक देते हैं, सही है, और ये कलेजी इस्तेमाल में नहीं आती। और गुर्दे तो होते हैं खाने के, दिल होता है खाने का, लेकिन इसमें से स्मेल ऐसी आती है ना जब ऊँट कटता है तो लोग बाग खाना पसंद नहीं करते। ऊँट हमेशा जब भी कटता है ना तो उसका मोल्डलेस बनाया जाता है, हड्डियाँ फेंक दी जाती है, सिर्फ गोश्त बना के दिया जाता है। हमारा नंबर ले लें, हमसे आके यहाँ रब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें। प्रोफेशनल कारीगर हैं माशाल्लाह सारे। पैसे तो थोड़े ज़्यादा लेंगे लेकिन आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। गोल मार्केट में हमारी शॉप है और हम इधर ही मिलेंगे आपको। 0312-001-22-36।